क्या इसमें कपड़े डाले जाते हैं? हाँ पूरा डाल के बताएंगे यहाँ के। ये इसको तो इतना स्मार्ट किलो का कुंता लगा के लेके बंद नहीं करना है। अच्छा गिरा लेना, छोड़ देना, अपने आप गेट बंद हो जाएगा। कुछ से नहीं है ऐसे दबाना नहीं है आपको, दबाना नहीं। जैसे कि ओपन किया हाइड्रोलिक खराब हो जाएगा। जी 14,715,29,700 ये यहाँ से पावर ऑन हो गया। ये एक नॉर्मल है आपका, ये आपके रोजमर्रा कपड़ों के लिए है जो आप डेली पहनते हैं। ये रहा आपका मैनुअली, मैनुअली आप लगा सकते हैं वाटर लेवल जो भी आप लगाना चाहें, 7 बाल्टी 8 बाल्टी 9 बाल्टी, मतलब जो भी आपको लगाना अपने अकॉर्डिंग, कपड़ों के अकॉर्डिंग वॉश टाइमिंग जो भी लगानी हो अपने हिसाब से लगा देना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको रिंस कितने बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आपको लगाना है। अच्छा मतलब 3 बार जो ऑटोमेटिक रिंस हो जाएगा, सुखा देगा वो। उसके बाद आपका स्पिन है, हाई में करना है, लो में करना है, मीडियम में करना है, जो भी लगाना अपने लगा लिया, लास्ट में यहाँ से स्टार्ट। तो क्या वो बोलेगा कि हाँ रिन हो गया अब स्पेस स्पिन पे लगा दो? ये इंडिकेट करेगा, ऑटोमेटिक है सब। अच्छा कि रिन हो गया, जो आइटम आपका निपट जाएगा उसकी लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा ये चीज है, ये आपके ओनली पार्टी वेयर कपड़ों के लिए है जो आपने करीब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहने। कौन सा ऑप्शन? क्विक वॉश। ये आपका इतने मिनट में वॉश करके, रिंस करके, स्पिन करके, सुखा के रेडी कर देगा 23 मिनट में। ये आपका बस क्विक वॉश लगा दो, सारी सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से ऑन कर देना है, वॉशिंग पाउडर डाल देना है, कपड़े अंदर, और जहाँ पे इसका लगा रहा है टैप वहाँ से इसको ऑन कर देना है टैप को। अपने आप पानी लेगा, अपने आप पानी ऑन रहने ही देना है, ऑन ही रहने देना पानी। ये आपका स्ट्रांग है, नहीं टैप कैसे बंद कर देगा वो ऑटोमेटिक? टैप तो ऑन रहेगी हमारी तरफ से। कह रहे हैं आपने अगर बंद कर रखा है। हाँ मैंने ऑन कर दिया टैप। ऑन करना ही है उसको, उसके बाद ही मशीन ऑपरेट होगा। हाँ। अगर उसको पानी मिलेगा नहीं तो फिर मशीन चलेगा नहीं। हमें फिर वहाँ टैप में कुछ नहीं करना है, बस ऑन करके छोड़ देना है, वहाँ कुछ नहीं करना है। अच्छा ऐसा हो सकता है जैसे लाइट चला रहे स्विच ऑफ करके ओपन होगा कि नहीं? हो सकता है पॉसिबल? ये बोल रही है ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओपन करके कपड़ा निकाल, जिस समय तक मशीन चल रहा हो उस समय ओपन नहीं करना है इसको, स्विच ऑफ करके कर सकते हैं। स्विच ऑफ करके जैसे आपको और यहाँ से रोक दीजिए उसके बाद ओपन कर लीजिए। पहले हम वो कपड़े बाहर निकाल के दूसरे डाल सकते हैं उसी जगह। हम बता रहे हैं उसका भी एक ऑप्शन आपके पास इसमें है। अच्छा एक एक ऑप्शन पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो समझ में ना आए उसको दोबारा पूछ लीजिए। ये आपका स्ट्रांग है यानी कि भारी कपड़ों के लिए, जीन्स हो गया, बेडशीट हो गया, भारी कपड़े जितने होते हैं उनको आपको स्ट्रांग में धोना है। कैसे आना इसमें? अच्छा इस तरह से, ठीक है। ये आपका ऊपर लिखा हुआ प्री वॉश प्लस, हल्का सा बारीक लिखा हुआ, देखिए प्री वॉश प्लस नॉर्मल। ये आपका 2 बार धोएगा 2 बार रिंस करेगा 2 बार सुखाएगा। ये वाले पे आपका केवल 1 बार वॉश 1 बार रिंस 1 बार सुखाने का काम होता है, नॉर्मल पे। यहाँ पे डबल होगा। ये आपका रहा एक्वा रिजर्व, इस ऑप्शन लगाने के बाद जो आपने लिया है मशीन, ये आपका पानी ड्रेन नहीं करेगा, ठीक है? मतलब ये पानी ड्रेन नहीं करेगा। अच्छा अपने आप धो के पानी ड्रेन नहीं करेगा, वॉश करेगा, वॉश के बाद रुक जाएगा पानी, फिर मुझे खुद से ड्रेन नहीं, नहीं। यहाँ पे बीप देगा, पुराने कपड़े आपको निकाल के दूसरे कपड़े उस पानी में डाल देना, उसी पानी में। अच्छा यानी कि उसी पानी में आपको दोबारा यूज कर लेना है कपड़े, एक बार व्हाइट कपड़े धो लिए उसके बाद कलर धो लिए। ये चीज के लिए आपको एक्वा रिजर्व इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्वा रिजर्व में केवल पानी आपका ड्रेन नहीं होगा, बाकी सब में ड्रेन हो जाएगा। और इधर के कैसे करेंगे? इधर के बटन ऐसे रहने इधर के कुछ नहीं, वो तो आपके ऑटोमेटिक हैं। ये वाले हमने एक्वा रिजर्व इसमें यूज होंगे टर्बो वॉश पे, जब आप लगाएंगे टर्बो वॉश पे आपको मैन्युअली धोना है। वाटर लेवल लगा लिया जो भी लगाना है, वॉश टाइमिंग लगा लिया जो भी लगाना है, 54-55 जो भी जाएगा अपने हिसाब से लगाना है, और आपको रिंस कितने बार करना है अपना लगा लिया। एक रिंस कितनी देर का चलता है जी? एक रिंस कितने मिनट का हो? अब ये तो आपके वेट के ऊपर है, जैसे कपड़े का वेट होगा उस हिसाब से टाइमिंग होगी उसकी। अच्छा वेट के हिसाब से लेगा, टाइमिंग खुद ले लेगा। 1 घंटे 20 मिनट ले लिया है कितना? जो मैंने लगाया तीन रिंस धुका के
एकदम बाहर कर दे कपड़ों को, यहाँ से स्टार्ट कर देना इतना लगाने के बाद, बस कपड़े निकाल लेना यहाँ से फिर आगे। ये जब मशीन चल रही तो ओपन नहीं करना, डोर देख के बंद हो गई ना। अच्छा, डायरेक्ट नहीं ओपन करनी है, ओपन नहीं करना। डीई ये क्या दिखा रहा है? स्टार्ट डोर मिरर। अच्छा, ये पॉज करके ही करना है। हाँ, इसको रोक के आपको ओपन करना है। अच्छा। यहाँ से रोक दीजिए, उसके बाद ओपन करना है आपको। तो अगर ऐसा कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है? बंद हो जाएगी मशीन, चलती मशीन बंद हो जाएगी। ये रहा आपका जेंटल उलन कपड़ों के लिए, उलन प्लस साड़ी, उस पर लिखा हुआ भी है उलन प्लस साड़ी। और ये रहा आपका टब क्लीन। टब क्लीन अगर आपकी वॉशिंग मशीन रोज यूज हो रही तो आपको एक महीने में एक बार इसका टब क्लीन करना है। कैसे? उसका एक वॉशिंग पाउडर आता है अलग से, उससे करना होता है। तो इसका इस वो वॉशिंग मशीन साफ होगी उससे? ये इधर आपका एकदम साफ दिख रहा हुआ था, बैकग्राउंड इसका बहुत गंदा हो जाता है। अच्छा। उसको साफ करने के लिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता है? वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सिर्फ इस पे क्लिक करके वॉशिंग पाउडर यहाँ डाल देना, उसका जो आता है टब क्लीन पाउडर, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना मशीन। आपकी एक घंटा 44 मिनट चलेगी, एक घंटे 44 मिनट चलेगी। और वाटर लेवल आपका यहाँ तक भरा रहेगा पानी, वाटर लेवल भी अपने आप ले लेगा। अपने आप पूरा ले लिया ना, देखिए ना, ये तो लिया पूरा पूरा। अच्छा, ये जो भी मोड लगेगा वो ऑटोमेटिक, केवल इसमें लगाना होगा टर्बो वॉश अपने अकॉर्डिंग लगाना होगा टर्बो वॉश को, केवल बाकी पे ऑटोमेटिकली लगेगा। अपने अकॉर्डिंग देना है उसके लिए है। अच्छा। जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक में आप लोग देते हैं, जैसे कि एक बाल्टी पानी डाल दिया, एक दो कपड़े डाल दिए, वो चीज है, वो चीज टर्बो है। और फिर आपने यहां पे बताया है, ये आपका एक पर रिजर्व पानी ड्रेन नहीं करेगा। ये नहीं कहा कि आप केवल एक बाल्टी पानी लेगा, इसमें हाँ, इसको छोड़ के बाकी सब में ड्रेन करेगा। अच्छा। एक्वा रिजर्व में ये है कि तुम दूसरे कपड़े इसी पानी में डाल सकते हो, दूसरे कपड़े करते नहीं हो, पहले कुछ कपड़े धो लिए फिर उसके बाद। जैसे आप कह रहे हो मैनुअल है, तो इसमें मैनुअल में अपने अकॉर्डिंग पानी का लेवल करके वो बहा के सुखा के निकालेगा। और इसमें क्या है, खुद से ड्रेन करना पड़ेगा? इसमें आपको ड्रेन बाद में करना। एक्वा रिजर्व मान लीजिए आपका चल रहा था, उसने आपको बीप दिया, आप आएंगी यहाँ पे, आपको स्पिन दबाना है, स्पिन दबा के जैसे ही बटन दबाएंगी वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। स्पिन दबा के स्टार्ट करेंगे तो इसमें किस में रखेंगे? बिना बात यह है कि बिना पानी डाले ये चीज समझ में नहीं आएंगी। नहीं नहीं, स्पिन किस में करना है, लो मेड हाई? वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। बाइक आपको धीमे चलानी है कि तेज चलानी है, ये तो बाइक चलाने वाले के ऊपर है ना। और इसमें फिर एक्वा रिजर्व में करके खाली स्टार्ट कर देना, वो वॉश होने लगेगा, वो वॉश होने लगेगा। हाँ। अपना पानी ले लेगा अपने अकॉर्डिंग और अपना वॉश स्टार्ट कर देगा वो। बाहर मान लीजिए वॉश कर लिए, जैसे कि वॉश आपने इसमें कर लिया, आपके एक मशीन और आपके पास सेमी ऑटोमेटिक है, वहाँ पे आपने वॉश कर लिया, उसका तो रिंस और स्पिन करना है जैसे, हाँ, तो उठा के इसमें डाल दिए सारे कपड़े, यहाँ से ओपन किया, रिंस का क्या वो खंगालना? हाँ, इसको लगा दिया रिंस में, एक बार दो बार जो भी आपको लगाना हो, पार्ट में आई में लगा के इसको छोड़ देना, केवल दो ऑप्शन करेगा, स्पिन में सुखा के बाहर आएगा। खराब हो जाता है स्पिन वाला, भिगोने का भी होता है क्या? भिगोने का भी है कुछ जी? सोक, ये आपका वेट कर रहा है, सोकिंग वेट कर रहा है, इसमें कुछ वेट तो कुछ है नहीं कपड़ों का, तो फिर क्या वेट करेगा? जहाँ अगर वेट करेगा तो वहीं पे अटक जाएगा। हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक टाइमिंग ले लेगा पानी की। हाँ, तो ये चीज करो, शुरू हो जाएगा, ये चीज करना पड़ेगा। एक बार तो मेरे पास नहीं, अगर आज आ जाते हैं लोग, हम भाई लोकल में आ जाते हैं, हवाले करिए बराबर, ये एरियल पाउडर है, हफ्ते एक हफ्ते की बात अलग है भाई, अब नहीं चल रही 15 दिन तक भाई। अगर अभी यूज नहीं करना है, हाँ, तो इसको पैक करके रखो। दो में क्या है, दो में होता है स्पीड है उसकी भैया, तब एक ही स्पीड होती बराबर, इसमें आपकी अलग अलग स्पीड। एयर ड्राई में क्या है? एयर ड्राई बाद में चलता है सूखने के बाद, तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। चल रहा है, ये लगा हुआ है ना आपका स्प्रे, यहाँ से स्प्रे मारेगा बाद में। वो किस लिए होता है? सुखाने के लिए, थोड़ा सा गीले कपड़ों मार देता है स्प्रे,
बदबू ना आए, आती है ना कभी कभी जैसे। अच्छा मतलब गीले कपड़ों में खाली ऐसे ही सुखाने के लिए। ये ऑप्शन यूज कब होता है एयर ड्राई, ये बताओ। एयर ड्राई ऑटोमेटिक यूज होगा इसके स्पिन के बाद ही खुद। अच्छा ऑटोमेटिक आपका लगा हुआ स्प्रे जेट स्प्रे वो आपका यूज होगा, और कुछ थोड़ी है। डोर खुला है तो कहाँ से चलेगी? नहीं इसके पहले चल रही थी, अभी नहीं चलेगी, रुक जाइए। हिलेगी मशीन खुद ही, अपने आप हिलेगी। पन्नी लगी रख दिया जाएगा, अभी लगी रहेंगी जी, बाद में निकाल दीजिएगा। अरे दो महीना बाद जब अपना आ जाएगी, जब अपना यूज करेगा। ये इतनी छोटी सी आपका ये सोयल लिक्विड है जो आप लिक्विड अगर इस्तेमाल करेंगे तो वॉशिंग पाउडर की जगह हाँ, वो भी उसी में डालना हाँ, और छेद ऐसा है कि यार वो तो नीचे ही चला जाएगा डायरेक्ट इस पे। ये आपको लिक्विड टब में डालना सीधे। अच्छा लिक्विड टब पाउडर में तो चला ही जाएगा नीचे, वो तो जाना ही जाना। अगर हम पाउडर खुद से डालें तो अपने अकॉर्डिंग ही डालना है, वो पाउडर को अपने अकॉर्डिंग डालना है पाउडर। अच्छा वो कैसे हिसाब से डालना है, ऊपर से डालना है उसमें है स्पिन चलने लगा, वो एक भी साउंड नहीं करेगी, आप परेशान ना होइए, वाइब्रेशन भी नहीं कुछ नहीं करेगी, बहुत स्लो चल रहा है ये तो। अभी उसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे टाइम इसका माइनस होता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी 9 मिनट में है, इसको 4 मिनट में देखिएगा आप इसकी स्पीड, वो साउंड ले सकती है। खाली ये बीप वाली आवाज ही पहुंचेंगी, बस केवल बीप जाएगी, बाकी आपको एक भी साउंड नहीं जाएगा, वॉश करने तक का साउंड। आप अगर यहाँ से इस कमरे में होंगे वहां भी साउंड नहीं जाएगा इसका, तेज वॉश करेगी। हम पैसा आप इन्वर्टर का मतलब एकदम साउंडलेस, इसको आप इन्वर्टर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वर्टर से कितने वॉट की है? 85 वाट। 100 वाट के बल्ब से भी कम है? 100 वाट से कम इसको लेना है पावर। हाँ ये बताओ जरा सॉइल ये क्या था, लिक्विड वाला बीपर, ये आपका तो साउंड का होगा, अपने आप ले ये चलता हाई ही रहने दे, ये तो जितना तेज रहेगा उतना अच्छा सुनाई देगा। अच्छा साउंड की साउंड बीपर है ना, आवाज। उसके बाद सेंसिंग वाटर लेवल और अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। नहीं अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो आपका रहेगा ब्लू वाला टर्बो वॉश, इस पे आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं वॉश टाइमिंग, रेंज, स्पिन, वाटर लेवल सब कुछ। ये अपने अकॉर्डिंग लगा, अपने अकॉर्डिंग लगेगा टर्बो वॉश पे। और नॉर्मल पे? नॉर्मल में आपको रोजमर्रा के कपड़े धोने हैं, नॉर्मल कर दिया तो बाकी कुछ सेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सब ऑटोमेटिक हाँ। नहीं अभी टर्बो पे बोलना, कुछ नहीं करना, नहीं उस पर टर्बो पे करना है, लगाना है, मैनुअल है वो। अच्छा, वो आपका मैनुअल है, वो आपका मैनुअल है कि आपको वॉश टाइम रखना है। इधर के नॉर्मल में वन टाइम, इधर के बाल्टी से भी डाला जा सकता है, बाल्टी से पानी डाला जा सकता है, बाल्टी से पानी डाल के जैसे मशीन ऑन करेंगे पानी ड्रेन कर देगा। बाल्टी से नहीं कर सकते, बाल्टी से डालेंगे यहाँ से ऑन करेंगे जैसे ही ड्रेन कर देगा पानी तुरंत, ऑटोमेटिक पाइप लगा ही रहे कंटिन्यू, जो पानी पाइप से जाएगा उसके अंदर उसी पर बुलाई करेगा। और जैसे टर्बो वॉश है तो इसमें खुद से पानी ऑन करना पड़ेगा? नहीं उसमें भी नहीं, सिर्फ टाइमिंग आइमिंग लगा के। और जैसे अच्छा भैया सुनिए, इधर का नॉर्मल में है, इधर का नॉर्मल दो बार आपका वॉश करेंगे, दो बार। और हम क्या पूछने जा रहे थे, बहुत वाटर लेवल हो गया, क्विक वॉश में पता है ना कौन से करने हैं, पार्टी वार्टी घड़ी, ये वेट वाला वो बना है ना, वेट का सोकिंग का कितना ले रहा है, सोकिंग मतलब उसका वेट करेगा पहले कपड़ों का, उसके बाद फिर वाटर पानी। अच्छा जल पानी ड्रेन नहीं करेगा आपका उसी, तो पानी ये जो है हम अपने अकॉर्डिंग 3 kg है तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे जब आप इसमें लगाएंगे टर्बो टर्बो पे आप, हाँ तो वो लगाना पड़ेगा फिर हमको। ये आपकी बाल्टी बनी हुई है कि एक बाल्टी पानी, दो बाल्टी, तीन बाल्टी, चार बाल्टी, ये सब बाल्टी है, बकेट है, इधर वाला वो तो बाल्टी है, वो दोनों चीज वही भैया, लाइन से नंबर से लिखा हुआ। अच्छा जब एक्वा रिजर्व पे लगाया फिर क्या करेंगे? सेंसिंग और सोक दोनों इसी लाइन पर है ना, सेंसिंग और सोक दोनों स्टार्ट कर देना है, उसके बाद इस पर वॉश स्पिन, तीनों काम इस पर, वॉश के लिए डाल देना है कपड़े, वॉशिंग पाउडर डाल देना है,
इसमें एक बार जब लगा के स्टार्ट कर देना। ये क्या है नंबर, ये किस बात के है? ये आपके वॉश टाइमिंग नंबर मिनट है। हाँ मिनट है, वॉश टाइमिंग के मिनट है ये आपके। 15 मिनट, 18 मिनट, 25 मिनट, 9, 10, 13, 16, 15। पानी तो वो ऑटोमेटिकली इसमें, इस मिनट में ये वॉश भी करेगी, दिन से सुखाएगी भी। और ये स्पिन, अभी आपका स्पिन कर रहा है, खाली स्पिन कर रहा है, इसलिए आपकी स्पिन की लाइट जल रही है। जो चीज कर रहा होगा उसी की लाइट ब्लिंक कर रही होगी, और जो चीज निपट चुकी होगी उसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो ये तो खाने में तो कभी होगा ही नहीं भाई, कभी भी करना तो कपड़े डालकर वो करेगा। हमने आपको ये बताया कि अभी स्पिन चल रहा है, ये स्पिन बिना पानी के भी चलता है, इसलिए आपको दिखा दे चला के हमने। बस बात ये है, जब धुलाई होगी तो वॉश का भी चलेगा, स्पिन का भी चलेगा, सारे चलेंगे। जो भी आप लगाएंगे ऑप्शन देखिए, वॉश जल गया, रिंस जल गया, स्पिन जल गया। यहाँ पे एक और जब आपका स्पिन नहीं जलेगा, ये देखिए स्पिन बंद हो गया, यानी कि आपका मशीन स्पिन नहीं करेगा। स्पिन करेगा तो पानी बहा देगा, ये भी समझिए, पानी नहीं बहेगा ना इसमें, तुम दूसरे कपड़े भी डाल सकते हो, पानी बहा देगा। मैनुअल स्टाइल में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बोलो बोलो तो वहाँ से आपको 5 घंटे बाद आना है। वॉश में पाउडर डाल दिया आपने, यहाँ डाल देना है, बंद कर देना, ठीक है, वॉश के लिए डाल दिए हर चीज, उसके बाद इसको बंद कर देना है, अपने आप बंद हो जाएगा, उसको दबा के बंद नहीं करना है कभी। हाइड्रोलिक करा हो जाएगा चाहिए। ये इसमें देखिए आपका वॉश बना हुआ है ना, आपको 5 घंटे बाद लौट के आना है वहाँ से। ये आपने इस टाइमिंग को लगा दिया, ये टाइमिंग लगा के आपने चालू कर दिया, आप जब इसके 1 घंटे बाद आएंगी, हाँ तो आपको धो के सुखा के रेडी रखते हैं कपड़े, आपको कुछ नहीं करना। डिले टाइमिंग ये होता है कि अब मशीन आपकी 4 घंटे बाद ही स्टार्ट होगी, 4 घंटे के पहले स्टार्ट होगी। कहाँ से डिले टाइमिंग लगाई थी? ये आपका डिले है। अच्छा, जो भी आपको ऑप्शन लगाना है, यहाँ से पहले ऑप्शन लगा दीजिए, स्ट्रॉन्ग लगाना है मतलब कुछ भी लगाना, उसके बाद आप इधर से टाइमिंग लगा दीजिए, 6 घंटे बाद अपने आप मशीन आपकी चालू हो जाएगी, आपको 7 घंटे बाद आना है, तो करीब 1 घंटे आप लगाइए पहले की टाइमिंग, तो ऑटोमेटिक वो जब 1 घंटे में आप आएंगे दौड़ के, हाँ तो आपको धो के सुखा के रेडी रखेगा कपड़े। एक हो सकता है 1.5 घंटे भी लगे, तो 1/2 घंटे एक्स्ट्रा। अगर पहले ही सुधुल के रख गया तो उसमें क्या दिक्कत है? स्प्रे लगाती है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, स्प्रे इसलिए तो लगा है उसमें, स्प्रे अपने आप करेगा वो, जेट स्प्रे। हम लोगों की इधर से बटन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दोनों से मतलब है ना, इधर की बटन से कम मतलब है, आप जब इसका यूज करेंगे डाटा तो आपको मतलब है।